दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 3 का पर्यावरण विषय पढ़ाने जा रही हूँ। आपकी स्कूल का नाम है केजे पटेल और पार्ट 3 है पानी के पनी। आज की डेट है 24/7/2020 और वार है शुक्रवार। तो आज हम कक्षा 3 का पार्ट 3 पढ़ेंगे पानी रे पानी। तो देखो यहाँ पानी न बिगड़े, पहले मैं बुक में आपको पढ़ के सुना देती हूँ। पानी न बिगड़े पानी है अनमोल, बिन इसके जीवन का अंत है अंत, पानी है अनमोल। रिमझिम रिमझिम बारिश बरसाए, नदियाँ नाले तालाब छलकाए, सागर में उठती नौ उठती तरंगे, पानी है अनमोल। हिमगिरी के उच्च शिखर पर बर्फ बने बैठे, उबलने पर यह बाप बनते पौधे के रूप में, चरणों के गीत बन पानी है अनमोल। खेत बारी और पेड़ पौधों को जिंदा रखे, पशु पक्षी का प्रेम से पोषण करे, मानव के रंग रंग में दौड़े पानी, पानी है अनमोल। अकाल में दुख भरे दिन ये दिखाए, बाढ़ की प्रचंडता दिल को दहलाए, नलकूप चापाकल में दिखता पानी है अनमोल, पानी है अनमोल। चलो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, पानी न बिगड़े पानी है अनमोल, बिन इसके जीवन का अंत पानी है अनमोल। हमें पानी बिगाड़ना नहीं चाहिए, पानी हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, पानी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। शरीर में पानी के बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, तो पानी हमारे लिए बहुत अनमोल है। रिमझिम रिमझिम बारिश बरसाए, नदियाँ नाला तालाबें छलकाए। जब बारिश आती है तो रिमझिम रिमझिम बारिश आती है तो नदियाँ नाले और तालाब बहुत ही छलक जाते हैं। उसी तरह से सागर में उठती ऊंची तरंगे, पानी है अनमोल। हिमगिरी के उच्च शिखर पर बर्फ बन बैठे हैं, सागर की उठती ऊंची तरंगों में पानी अनमोल है। सागर का पानी अच्छा होता है, उस तरह से ये तरंगे भी ऊंची उठती है और पानी अनमोल है। हिमगिरी के उच्च शिखर पर तो पानी बर्फ बन जाता है, तो इस तरह से पानी अनमोल है। उबलने पर यह बाप बन उड़े पौधों के रूप में, चरणों के गीत बन पानी है अनमोल। उबलने पर ये पानी को उबालते हैं, उस टाइम हमारे उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं वो सब मर जाते हैं और अब वो पानी पीने से हमको बहुत ही अच्छा शरीर में रहता है। पौधों के रूप में झरनों के गीत बन जाते हैं। पौधों के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो पौधे दिन पे दिन बढ़ते रहते हैं और उस तरह से पानी झरनों की तरह गीत बन जाते हैं। पानी की झरनों की तरह गीत बन जाते हैं, इस तरह पानी है अनमोल। तो जीने के लिए सबको पानी की आवश्यकता होती है। हमें पानी कहाँ से मिलता है? कुआं पंप से हमको पानी मिलता है। हम सभी को पानी की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। तालाब नहरें नदियों में पानी होता है। खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, दांत साफ करने के लिए, चेहरा धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए और हमारे बर्तन धोने के लिए और कहीं पे आग लग गई हो, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में है, बड़ी बड़ी कपड़ों की मार्केट में कहीं पे आग लग गई हो तो वहाँ भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह हमारे लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। हमें पानी पीना चाहिए क्योंकि पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। पीने का पानी हमारे हमेशा उबाल के ही पीना चाहिए, नहीं तो जो पानी गंदा होता है उसके अंदर कीटाणु होते हैं और उसे हमें उबाल कर पीना चाहिए तो उसके अंदर कीटाणु सब मर जाते हैं। हमें नदियों में तालाबों में कूड़ा फेंकते हैं और कूड़े हम नदियों और तालाबों में कूड़ा करकट फेंकते हैं, उसमें कपड़े भी धोते हैं तो उस तरह से पानी गंदा हो जाते हैं और उसमें कीटाणु ही हो जाते हैं और गंदा पानी पीने से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए पानी को उबाल कर पीना चाहिए और उसके अंदर जो कीटाणु होते हैं उबालने से वो कीटाणु मर जाते हैं। इस तरह से पानी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अनमोल है। चलो उसके आगे मैं आगे का समझा रही हूँ। जो अब आगे हम कितना पढ़ाया उसके आगे मैं दूसरा पढ़ा रही हूँ आपको। बारी और पेड़ पौधों
जिंदा रखें, सॉरी पशु पक्षी का प्रेम से पोषण करें। चलो मानव के रंग रंग में मानव के रंग रंग में दौड़े पानी। अनमोल पानी है, अनमोल अकार अकार में अकाल में भरे दिन ये दिखाए कोमा बाढ़ की प्रचंडता प्रचंडता इनको रहता है। नर दिखता पानी है अनमोल। चलो बच्चों अब मैंने खेत बारी और पेड़ पौधों को जिंदा रखे, पशु पक्षी का प्रेम से पोषण करें। खेत बारी और पेड़ पौधों को जिंदा रखें यानी कि खेत में अनाज होता है जैसे कि गेहूँ बाजरी जौ मकाई ऐसे सब अनाज होते हैं उनको जिंदा रखें। पेड़ पौधों को भी जिंदा रखते हैं जैसे कि पेड़ों में है आम का पेड़ है अनार का पेड़ है इस तरह से सब इत्यादि सभी पेड़ होते हैं। पौधों में केले का पौधा है फिर फूलों के पौधे हैं इस तरह से ये सबको पानी जिंदा रहता है। पशु पक्षी का प्रेम से पोषण करें, पशु पक्षी यानी जैसे कि गाय बकरी भैंस इत्यादि वगैरह और पक्षी में कबूतर पोपट चकली ऐसे सब हैं इन सबका प्रेम से पोषण करता है इसलिए पानी है अनमोल। मानव के रग रग में दौड़े पानी और मानव को तो पानी की बहुत ही जरूरी होती है इसलिए मानव के रग रग में पानी दौड़ता है। मानव को पानी के लिए बहुत पानी नहीं होता है मानव को तो जी नहीं सकते हैं। पानी के बिना हम नहा धो नहीं सकते नहीं है, पानी के बिना खाना नहीं बना सकते हैं, पानी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पानी हमारे जीवन में अत्यधिक जरूरी है। अकाल में दुख भरे दिन आए ये दिखाए, अकाल में दुख भरे दिन आए अकाल यानी कि वो बारिश होती है तब अनाज होता है, बारिश नहीं होती तो अनाज नहीं होता है तो उस तरह से अकाल पड़ जाता है। बारिश होगी तो हम अनाज हो सकेगा, अनाज नहीं होगा तो हम कहाँ से खाएंगे। इस तरह से अकाल के दुखों में हमको अकाल भरे दुख हमें दिखाए। बाढ़ की प्रचंडता दिल को दहलाए, बाढ़ की प्रचंडता दिल को दहलाए यानी कि जैसे बाढ़
बारिश गिरती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, नदी नाला वे सब छलक जाते हैं, उस तरह से गांव गांव में बाढ़ आ जाती है, वहाँ से कितने घर कितने मकान सब टूट जाते हैं, घर पे लोग घर से बेघर हो जाते हैं, उस तरह से बाढ़ की प्रचंडता को दिल दहलाती है। नल कूप चापकल में दिखता है पानी, अब नल में है, कूप में है, चापकल में है, फिर जगह जगह तालाबों में हमें पानी दिखाई देता है। इस तरह से मैंने आपको ये पानी के बारे में समझाया है और पानी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। पानी को हमको जितना हो सके उतना कम ही यूज करना चाहिए और उसका बिगाड़ करना चाहिए नहीं। और आज मैंने ये पानी के बारे में आपको समझाया है, इसी तरह से आपको ये समझना है और आगे इसके प्रश्नों के उत्तर मैं कराऊंगी, तो आप लोगों को बोलना है और मैं आपको इसमें कराऊंगी, तो ठीक है, ओके बेटा, चलो थैंक यू।